हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आपका अश्विनी बायोलॉजी में। और टुडे स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस, दैट इज एक्सक्रीशन। यू नो बेटर स्टूडेंट्स दैट देयर आर फोर लाइफ प्रोसेसेस इन अवर चैप्टर। सो नाउ वी आर ऑन लास्ट लाइफ प्रोसेस, दैट इज एक्सक्रीशन। और एक्सक्रीशन क्या होती है, लेट अस नो व्हाट एक्सक्रीशन। स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स नाउ आवर बॉडी इज जस्ट लाइक अ मशीन, एंड व्हेन इट वर्क्स so a lot of useful substances formed as well as lot of non-useful substances also formed, and some non-useful substances are highly toxic, and when they mix with blood they can make it toxic. So it is very important for the body or the body organs to get rid of them. So how the body get rid of them, by that process, the process by which body get rid of, उस process को क्या कहते हैं, excretion। क्योंकि अगर वो waste body में रहेंगे तो body में जो body fluids है खास करके blood, उसको toxic बना देंगे, and then that toxic substance along with blood will move to the various parts, और उन parts में भी toxicity फैलाएंगे जिससे आगे infections हो सकती हैं। So एक्सक्रीशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी द डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है बच्चों इसका, इट इज अ प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें टूट रही हैं, बन रही हैं, तो उस मेटाबॉलिज्म में जो मेटाबॉलिक वेस्ट बनते हैं उनका जो रिमूवल है दैट इज़ कॉल्ड एक्सक्रीशन। और उन मेटाबॉलिक वेस्ट में बच्चों जो सबसे इंपॉर्टेंट रहते हैं दैट इज़ नाइट्रोजन कंटेनिंग वेस्ट और नाइट्रोजनस वेस्ट। इनको हम नाइट्रोजन कंटेनिंग वेस्ट भी कह सकते हैं और नाइट्रोजनस वेस्ट भी कहते हैं। और इनके सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। थ्री मोस्ट इंपॉर्टेंट नाइट्रोजनस वेस्ट जो हैं वो कौन कौन से हैं, अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। नाउ स्टूडेंट्स, सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आएगा कि ये बनते कैसे हैं, आखिर कहाँ से आए ये। सो माई क्वेश्चन इज दैट हाउ दे आर प्रोड्यूस्ड। सो कैसे बनते हैं, ड्यूरिंग डीएमिनेशन ऑफ अमीनो एसिड। डीएमिनेशन एक बड़ी नई टर्म है आपके लिए, डीएमिनेशन ऑफ अमीनो एसिड्स इन लीवर। प्रोटीन के लिए अमीनो एसिड चाहिए होते हैं, और अमीनो एसिड की जब डीएमिनेशन होती है लीवर में, डीएमिनेशन क्या होती है, अगर हम एक अमीनो एसिड का जनरल स्ट्रक्चर देखें स्टूडेंट्स, तो जनरल स्ट्रक्चर कुछ ऐसे है। देयर इज वन ग्रुप ऑफ एटम दैट इज अमीनो ग्रुप। ये NH2 ग्रुप जो होता है बच्चों, ये अमीनो एसिड में रहता है। अब जो अमीनो एसिड यूज़ हो जाते हैं प्रोटीन बनाने में, उनमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो अनयूज्ड रह जाते हैं उनके अमीनो ग्रुप अगर एज इट इज़ रहेंगे तो ये क्या करेंगे, ये टॉक्सिसिटी क्रिएट करेंगे बॉडी फ्लूड्स में। तो इस अमीनो ग्रुप को हमें यहाँ से क्या करना है, रिमूव करना है, और ये प्रोसेस लीवर में होता है, और इसे ही हम डीएमिनेशन कहते हैं, क्योंकि इसका नाम क्या है, अमीनो ग्रुप। तो अमीनो डीएमिनेशन मतलब अमीनो ग्रुप को हटाना। सो कैसे बनते हैं ये नाइट्रोजनस बेस्ड, ड्यूरिंग डीएमिनेशन ऑफ अमीनो एसिड्स, और कहाँ पर होता है ये प्रोसेस, लीवर के अंदर होता है। नेक्स्ट स्टूडेंट, मैंने डीएमिनेशन की डेफिनेशन भी लिखी यहाँ पर, दैट इज रिमूवल ऑफ अमीनो ग्रुप फ्रॉम अमीनो एसिड्स। अब बच्चों अगर बात करें तीन नाइट्रोजनस बेस्ट की, अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड, तो सबसे ज़्यादा जो हाईली टॉक्सिक है वो अमोनिया है, उससे कम यूरिया और सबसे कम यूरिक एसिड। तो जो जितना ज़्यादा टॉक्सिक होगा उसके रिमूवल के लिए उतना ही ज़्यादा वाटर भी चाहिए। अगर अमोनिया को बॉडी से बाहर निकालना है तो ऑर्गेनिज्म को, जो ऑर्गेनिज्म अमोनिया एक्सिट करते हैं उनको बहुत ज़्यादा वाटर की नेसेसिटी रहती है, ज़रूरत रहती है। सो हाईली टॉक्सिक है, इट नीड्स मोर वाटर टू एक्सक्रीट। मॉडरेट टॉक्सिक है, मतलब बीच में, ना ज़्यादा ना कम, तो इट नीड्स मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर। और यूरिक एसिड लेस टॉक्सिक है, तो इसको सबसे कम पानी चाहिए एक्सिट करने के लिए। तो जो ऑर्गेनिज्म स्टूडेंट्स ज़्यादा पानी अफोर्ड कर सकते हैं, जिनके आसपास खूब सारा पानी रहता है, वो तो अपने नाइट्रोजनस बेस को किसके फॉर्म में एक्सिट करेंगे, दैट इज अमोनिया। और जिनके पास ठीक ठाक पानी है, मतलब ज़्यादा ना कम, तो वो करते हैं यूरिया के रूप में, और जिनके पास बहुत ही ज़्यादा कमी रहती है पानी की, वो यूरिक एसिड के रूप में। जैसे जो बर्ड्स होते हैं, पक्षी, रेप्टाइल जो होते हैं, जितने भी, वो सारे बहुत ही कंजर्व करते हैं अपने पानी को, क्योंकि उनका मेटाबॉलिज्म के लिए पानी चाहिए, तो वो बड़ा ही सॉलिड फॉर्म में अपना एक्सक्रीट करते हैं मटीरियल, तो दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड। और हम अपनी बात करें, हम यूरिया के रूप में अपने नाइट्रोजन स्पेस को एक्सक्रीट करते हैं, और ख़ास करके अगर फिशेज़ की बात की जाए, जैसे बोनी फिशेज़ जो होती हैं, जो पानी में रहती हैं, तो क्योंकि उनके पास बहुत सारा पानी है, तो वो अपने नाइट्रोजनस बेस को किस फॉर्म में रिलीज़ करती हैं, अमोनिया।
सो तीन कैटेगरी हैं ऑर्गेनिज्म की, एक जो अमोनिया के रूप में एक्सिट करते हैं पर वो कौन से हैं जिनके पास खूब सारा पानी है, और एक जो यूरिया के रूप में एक्सिट करते हैं जिसमें हम भी आते हैं। हमारा नाइट्रोजनस बेस्ड क्या है, यूरिया। यूरिक एसिड भी बनता है हमारी बॉडी में, लेकिन उसका कारण कुछ और रहते हैं बनने के। जो मेन नाइट्रोजनस बेस्ड है हमारा दैट इज़ यूरिया। और यूरिक एसिड थर्ड कैटेगरी, जो यूरिक एसिड तीसरे हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म जो यूरिक एसिड के रूप में एक्सिट करेंगे। तो क्या याद रखना है, अमोनिया हाईली टॉक्सिक है, इट नीड्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर टू एक्सक्रीट। यूरिया इज अ मॉडरेट टॉक्सिक, सो इट नीड्स कंपेरेटिव लेस अमाउंट ऑफ वाटर एज कम्पेयर टू अमोनिया। और सबसे कम अमाउंट ऑफ वाटर जो एक्सिट करने के लिए चाहिए दैट इज यूरिक एसिड। तो एक एक एग्जाम्पल नोट याद कर लो बच्चों, अमोनिया फिशेज याद रख लो, खास करके बोनी फिशेज, यूरिया में अपना मैमल्स का एग्जाम्पल याद रख लो, और यूरिक एसिड के लिए एग्जाम्पल रख लो याद। मैं यहाँ लिख देता हूँ, अमोनिया जो एक्सिट करते हैं उसके केस में एग्जाम्पल आ गया बोनी फिश, बोनी फिश। और यूरिया के रूप में मैन का एग्जाम्पल आ गया, और यूरिक एसिड के लिए मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ बर्ड्स का और रेप्टाइल्स का। सो ये हैं हमारे थ्री नाइट्रोजनस वेस्ट, और इन्हीं के रिमूवल को हम क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन। नाउ स्टूडेंट्स आगे बात करते हैं उस सिस्टम की विच परफॉर्म एक्सक्रीशन। सो द सिस्टम विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बॉडी दैट इज ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। और एक सिस्टम होता है ऑर्गन सिस्टम, तो उसमें बहुत सारे ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं। सो नोट डाउन द नेम्स ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। सबसे पहला इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है दैट इज किडनी। सो देर आर टू किडनी, लेफ्ट किडनी एंड राइट किडनी। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट है दैट इज टू थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आर कमिंग आउट फ्रॉम ईच किडनी। दीज आर कॉल्ड यूरिटर्स। सो दो यूरिटर्स हैं, एक राइट किडनी से एक लेफ्ट किडनी से। एंड दीज टू यूरिटर्स स्टूडेंट्स आर ओपन इन टू यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिनरी ब्लैडर बाहर खुलता है यूरिथ्रा के थ्रू। किडनी में बेसिकली होता क्या है, टॉक्सिक सब्सटेंसेज जब ब्लड आता है किडनी में, तो किडनी उस ब्लड में से टॉक्सिक सब्सटेंसेज को अलग करती है, और फिर फाइनली जो टॉक्सिक सब्सटेंसेज अलग हो जाते हैं वो यूरिन के थ्रू इस यूरिटर से होते हुए सारा का सारा यूरिन यहाँ यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा होता है, और फाइनली फिर यूरिन के थ्रू वो टॉक्सिक सब्सटेंसेज, वो नाइट्रोजन कंटेनिंग वेस्ट बाहर चले जाते हैं। तो किडनी का काम क्या है, फिल्ट्रेशन करना ब्लड के, और उससे टॉक्सिक सब्सटेंस को अलग करना, जो फाइनली फिर किडनी के रास्ते होते यूरिटर से यूरिथ्रा से बाहर चले जाते हैं, ठीक है। और स्पेशली उनमें क्या होता है, पानी, यूरिन, अगर यूरिन की बात करें तो यूरिन में क्या है, बहुत सारा वाटर है और साथ में नाइट्रोजन कंटेनिंग वेस्ट रहते हैं। सो दो मेन, चार मेन कंपोनेंट्स हैं स्टूडेंट ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम्स के। सबसे पहला आ गया, यहाँ हम दोबारा लिख सकते हैं अलग से कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। नंबर वन किडनी, नंबर टू यूरिटर्स, नंबर थ्री यूरिनरी ब्लैडर, ब्लैडर, और फोर्थ क्या है दैट इज यूरिथ्रा। सो ये क्या है, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। अच्छा बच्चों, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम को ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम भी कहते हैं, क्योंकि इस सिस्टम के थ्रू यूरिन बनता है। नाउ स्टूडेंट्स देर आर टू किडनी। किडनी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाइटल ऑर्गन है हमारी बॉडी का, और किडनी की अगर पोजीशन की बात करें स्टूडेंट, तो जो हमारी लेफ्ट किडनी होती है वो साइज में भी बड़ी रहती है और कंपेरेटिवली पोजीशन वाइज ऊपर होती है एज कम्पेयर टू राइट किडनी। राइट किडनी को हम कह सकते हैं कि राइट किडनी जो होती है वो कंपेरेटिवली साइज में छोटी होती है, लोअर होती है पोजीशन में एज कम्पेयर टू लेफ्ट किडनी, या ऐसा कह सकते हैं वाइस वर्सा दैट लेफ्ट किडनी बड़ी है साइज में और थोड़ा पोजीशन में हायर लेवल पे रहती है। कारण, ऑन द राइट साइड लीवर इज देयर, सो टू अकोमोडेट द लीवर राइट किडनी इज लिटिल बिट बिलो एज कम्पेयर टू लेफ्ट किडनी। सो साइज वाइज भी बड़ी है लेफ्ट किडनी और पोजिशन वाइज भी हाइट पे है लेफ्ट किडनी। नाउ स्टूडेंट्स अगर हम बात करें कितना होता है एक साइज ह्यूमन किडनी का, ह्यूमन किडनी का जो साइज है, वैसे हमारे सिलेबस में नहीं है पर फॉर योर, फॉर द सेक ऑफ योर नॉलेज, जो साइज है दैट इज इसका 12 सेंटीमीटर के आसपास लेंथ रहती है और अबाउट 6 to 7 सेंटीमीटर थिकनेस होती है। थिकनेस 12 सेंटीमीटर लेंथ और 6 to 7 सेंटीमीटर थिकनेस। और वेट की बात करें तो अराउंड 150 to 170 ग्राम। वेट की बात करें तो दैट इज 150 टू
170 ग्राम वेट रहता है। कलर वाइज बात करें रेडिश पिंक कलर की होती है, और शेप की बात करें तो बीन शेप होती है। शेप कैसा है? बीन शेप रहती हैं। सो बीन शेप हैं, वेट एवरेज 150 टू 170 ग्राम रहता है। डायमेंशन देखें तो 12 सेंटीमीटर के आसपास लेंथ है और 6 टू 7 सेंटीमीटर इन थिकनेस। उसके बाद बेटे लोकेशन की बात करें, हैं कहाँ पर ये हमारी किडनी, तो लोकेशन वाइज आप नोट कर सकते हैं। लोकेशन मैं यहाँ साइड में मेंशन करता हूँ, ह्यूमन किडनी का जो लोकेशन है, लोकेशन ऑफ ह्यूमन किडनी का लोकेशन है अटैच टू डॉर्सल बॉडी वॉल और प्रेजेंट कहाँ है, लोकेटेड इन एब्डोमिनल कैविटी ऑन आइदर साइड ऑफ बैकबोन। लोअर एब्डोमिनल कैविटी में होती है, जो हमारा स्टमक जहां पर रहता है उससे लोअर एब्डोमिनल कैविटी लोकेशन एब्डोमिन में ही रहता है स्टमक, तो स्टमक अपर एब्डोमिनल कैविटी है, में किडनी लोअर एब्डोमिनल कैविटी में। और किडनी आगे की साइड नहीं होती, पेंट्रल साइड में, डॉर्सल साइड में होती है। नाइन्थ में आपने पढ़ा होगा जिस साइड हमारा बैकबोन होता है वो हमारा डॉर्सल साइड, तो डॉर्सल साइड में अटैच है और लोअर एब्डोमिनल कैविटी में, और रीढ़ की हड्डी के दोनों साइड है, एक एक साइड एक दूसरी साइड। सो क्या लोकेशन बना, दैट दे आर अटैच टू डॉर्सल बॉडी वॉल एंड लोकेटेड इन लोअर एब्डोमिनल कैविटी ऑन आइदर साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम या बैकबोन। सो दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट याद रखनी है आपने, मेन लोकेशन याद होनी चाहिए और दूसरा कौन सी किडनी का साइज ज्यादा है एंड पोजीशन का क्या रहता है। सो पोजीशन वाइज देखें तो लेफ्ट किडनी इज लिटिल बिट हायर एज कंपेयर टू राइट किडनी, और साइज में भी लेफ्ट किडनी ज्यादा एज कंपेयर टू राइट किडनी। नाउ जब हम एक्सिटी सिस्टम बनाते हैं स्टूडेंट, तो उसके अलावा हमें ब्लड सप्लाई भी दिखाना होता है, बिकॉज किडनी इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। तो ब्लड आएगा भी तो सही किडनी में, तभी तो किडनी फिल्टर करेगी। सो देर आर टू ब्लड वेसल, द ब्लड वेसल विच इज ब्रिंगिंग ब्लड, द मेन ब्लड वेसल, द लार्जेस्ट ब्लड जो वेसल जो बॉडी को सप्लाई करती है बॉडी पार्ट्स को, वो डॉर्सल एओर्टा है। तो डॉर्सल एओर्टा ब्लड लेके आएगा और वेना कावा ब्लड लेके जाएगा, सुपीरियर इन्फीरियर वेना कावा। लेकिन जब डॉर्सल एओर्टा किडनी के लेवल पे पहुंचेगा तो अपने आप ब्लड सप्लाई नहीं करेगा, फ्रॉम इट आर्टरीज विल कम आउट। सो देर आर टू किडनी, सो दो आर्टरीज हैं, वन इज ये जो रेड कलर की बनाई है मैंने, ये डॉर्सल एओर्टा है, डॉर्सल एओर्टा में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो डॉर्सल एओर्टा जब किडनी के लेवल पे पहुंचेगी, इससे क्या आएगा, एक लेफ्ट रीनल आर्टरी और एक राइट रीनल आर्टरी। इसी तरह से वेना कावा को ब्लड कलेक्ट भी करना है किडनी से, तो वेना कावा किसके थ्रू कलेक्ट करेगी, ग्रीन कलर की वेना कावा है और उससे जो निकली आर्टरीज उन्हें सॉरी वेन्स उन्हें वो ग्रीन कलर की है। तो राइट रीनल वेन और लेफ्ट रीनल वेन जो इनके एरोज हैं वो दिखा रहे हैं कि ब्लड किसर को जा रहा है। तो डॉर्सल एओर्टा ब्लड लेके आया, फाइनली इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू किडनी बाय लेफ्ट एंड रीनल आर्टरी, वेयर एज वेना कावा हैज टू ब्रिंग बैक ब्लड। सो ब्रिंग वेना कावा को ब्लड किससे, किडनी से, किसके थ्रू मिला, टू वेन्स, एक तरफ से राइट रीनल वेन ने दिया और एक तरफ से लेफ्ट रीनल वेन ने दिया। तो जब भी ह्यूमन एक्सिटी सिस्टम ड्रॉ करते हैं तो ब्लड सप्लाई शो करना ना भूलें, बिकॉज एग्जामिनर जब भी आपको क्वेश्चन देता है वो एक्सपेक्ट करता है कि आप डायग्राम जब बनाते हैं तो इन दिस डायग्राम ब्लड सप्लाई शुड आल्सो बी रिप्रेजेंटेड। सो ये है बेटे डायग्राम ह्यूमन एक्सिटरी सिस्टम का। तो अभी तक स्टूडेंट इन दिस वीडियो लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट कि एक्सक्रीशन क्या है एंड व्हाट आर द मेन टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, और उसके बाद हमने बात किया ह्यूमन एक्सिटरी सिस्टम। इस वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट वी विल टॉक ओनली दीज टू टॉपिक्स, नाउ वी विल डिस्कस फर्दर इन अवर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। सो अगर आपको टॉपिक समझ आया तो लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। सो इसके साथ ही वी आर गोइंग टू फिनिश दिस वीडियो लेक्चर, नाउ वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, टिल देन टेक केयर, थैंक्स।